शख्स का मुशाहिदा है, बल्कि ये खुद ही लोग जो हैं जाकर और कहते हैं कि आप अपना टैक्स रिटर्न हमसे भरवा लो। मसलन मार्केटें हैं उसमें जाकर 120 रुपये जो एक मिनिमम टैक्स होता है वो आप दे दें। तो बजट का निसार इस चीज पर है कि जो टैक्सेस हैं उनके जमा करने वाले जो हैं वो किस हद तक देने दरी से काम करते हैं। अगर सही तरीके से कलेक्शन की जाए तो मैं समझता हूँ कि डेफिसिट वगैरह कोई भी चीज नहीं, बल्कि कम से कम 80 बल्कि 90% जो है वो रकम बढ़ाई जा सकती है आमदनी के बाद में, और उससे फिर अखराजात बहुत अच्छे किए जा सकते हैं। यह हर शख्स का तजर्बा है कि फैक्ट्रियों के दरवाजे पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सामान निकलवा देते हैं और भारी तादाद में निकलता है, बहुत ही थोड़ा सामान है जिस पर वो टैक्स लेते हैं, बाकी जो है वो उनकी जेबों में जाता है। तो इस तरफ भी This time check is brought to you by Quiz Food. तो इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। तो जहां तक प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही थी, मैं समझता हूँ कि वो काबिल आदमी है और उनकी काबिलियत किसी सियासी पस मंजर की वजह से नहीं है, बल्कि सिटी बैंक जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में और वो बहुत अच्छी खिदमात मुख्तलिफ ममालिक में अंजाम देते रहे, और वो किसी ऐसे खानदान से भी ताल्लुक नहीं रखते जो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके और हालात इनको ऐसे ऊंची मकाम पर पहुंचा सकता था जो कि मुमकिन भी नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी खानदान हो तो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये कि गैर मुल्क ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बढ़ाया जा सकता। तो पहली चीज तो यही है कि मुकम्मल इख्तियार उनके हाथ में नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपकी बात कट करूंगा। जी जी, इसमें तीन सवाल आपने अपनी बातों में भी एक कहे। एक तो आपने कहा कि हमें जो है वो उधार लेने की आदत नहीं थी, या हमारी उधार लेने उस जमाने में नहीं थी। पाकिस्तान की तारीख में उधार लेने का ख्याल जो है वो कौन सा एक ऐसा हुक्मरान था या कौन सा एक ऐसा वजीर खजाना था या वजीर आजम था जिसके दिल में ख्याल आया कि उधार लेके भी गुजारा हो सकता। असल में ऐसा हुआ कि जब ये अमेरिका ने ये इस बात का फैसला किया कि रूस के चारों तरफ एक हलका बना दिया जाए ऐसे मुल्कों का, ताकि उसे एनसर्किलमेंट कहते हैं अंग्रेजी के अंदर जी, यानी एक दायरे के अंदर रूस को बंद कर दिया जाए और उसके जो पड़ोसी ममालिक हैं वो
अमेरिका के हामी हो, माशी तौर पर भी हो, दफाई तौर पर, तो वहां से खराबी शुरू हुई हमारे। ये 60 की दहाई में? नहीं नहीं 60 नहीं, ये 1954 बल्कि 53 से ये चीज शुरू हुई थी, जब रूस ने अपनी ये एनसर्किलमेंट की पॉलिसी तैयार की। तो उस वक्त उन्होंने फिर पाकिस्तान को ग्रांट भी देना शुरू की, लोन भी देना शुरू किए। लेकिन डॉक्टर साहब ये वहां से चस्का पड़ा है। 53 और 54 की अगर आप बात कर रहे हैं, 53-54 की, लेकिन एक हिस्ट्री ये भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खान लियाकत अली खान को सबसे पहले रूस ने अपने मुल्क के दौरा करने की दावत दी थी क्या में पाकिस्तान के बाद, लेकिन उस वक्त लियाकत अली खान ने रूस जाने के बजाय अमरीका जाने को तरजीह दी और वो अमरीका चले गए। तो ये क्या मतलब पहले से असर रसूख था आपके ख्याल में या इसका कोई और सिलसिला था? असल में पाकिस्तान की जो बुनियादी मसला शुरू से रहा है वो उसके मुल्क की सालमियत का सबसे बड़ा मसला रहा है, इसलिए कि तकसीम तो हो गई थी लेकिन हिंदुओं ने और हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया था, उस जमाने भी नहीं किया था और अभी भी नहीं किया, अभी तक नहीं किया। जिसका एक सबूत तो ये है कि जब मौजूदा सदर हिंदुस्तान के किसी गैर मुल्क में मलेशिया वगैरह कहीं गए थे तो वहाँ उन्होंने ये बयान दिया कि जिस तरीके से मशरकी और मगरबी जर्मनी इतने तवील अरसे के बाद मुत्तहिद हो सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए भी इस बात का इम्कान है कि वो मुत्तहिद हो जाए। तो इससे जाहिर होता है बल्कि हर चीज से असल में इंडिया की पॉलिसी है कि अंदरूनी तौर पर अपने तमाम पड़ोसी ममालिक को कमजोर रखा जाए ताकि वो उसकी तरफ देखे और कोई ख्याल गलत किस्म का उसके बारे में न लाए। फिर जब सियासी तौर पर ये मुल्क कमजोर हो जाते हैं तो जाहिर है कि इनकी इकोनॉमी है ना वो भी खराब हो जाती है, जैसे श्रीलंका के अंदर जो खाना जंगी चल रही है, नेपाल के अंदर मुसलसल हंगामे हो रहे हैं, जो बांग्लादेश है वो भी तबाही का शिकार है और हमारे यहाँ भी कि ये पाकिस्तान की और ये कश्मीर यहाँ भी काफी खलबशार पैदा किया।